हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट तरीका। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के लिए क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, साथ ही हम जानेंगे कि बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होने वाला है, क्योंकि अगर बिटकॉइन पंप होता है तो सारे अल्ट कॉइन पंप होते हैं, और बिटकॉइन अगर डाउन जाता है तो अल्ट कॉइन भी डाउन चले जाते हैं। तो किसी भी अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि क्रिप्टो रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, अगर हम क्रिप्टो मार्केट पर नज़र डालें तो लास्ट डे से अभी तक 1.96% मार्केट इंक्रीज हुआ है, और 2% हमें मार्केट में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन कल यहाँ पर अराउंड 5% का पंप देखने को मिला था, लेकिन अभी उसी रेंज में आ चुका है जहाँ पर कल था। और अगर इथेरियम की बात करें तो अराउंड 2% इसका जो मार्केट है वो पंप हुआ है। और अल्ट कॉइन की अगर हम बात करें तो ADA में अराउंड 18% का हमें यहाँ पर पंप देखने को मिला, XRP में अराउंड 10% का पंप देखने को मिला, और मीम कॉइन की अगर बात करें, डोज कॉइन आप यहाँ पर देख सकते हो, अराउंड 6% इसका भी जो मार्केट है वो पंप हुआ है। दोस्तों, ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो कल अल्ट कॉइन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। आप देख सकते हो सोलेना भी अराउंड 5% से ज़्यादा पंप हुआ है, तो सोलेना भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और दोस्तों, यहाँ पर ICP की हम बात करें तो ICP में काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिला। कल भी ICP का मार्केट है जो 15% तक पंप किया, तो अराउंड 82% से ज़्यादा इसका लास्ट 7 डे में मार्केट है वो पंप हो चुका है। और पॉलीगन मैटिक की हम बात करें तो अराउंड यहाँ पर 10% पॉलीगन मैटिक में भी हमें पंप देखने को मिला। तो दोस्तों, जितने भी टॉप अल्ट कॉइन है, मैंने आपको टॉप 5 अल्ट कॉइन दिखाए थे आज से कुछ दिन पहले, तो अगर उस टाइम आपने इनमें इन्वेस्टमेंट किया रहता तो आपके दोस्तों, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किए रहते तो अभी आपका 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर हो जाते। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर टॉप अल्ट कॉइन में हमें यहाँ पर पंप देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर टॉप गेनर की बात करें, लास्ट 24 आवर में यहाँ पर टॉप गेनर कौन कौन से कॉइन रहे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्से इन्फिनिटी, ये आपको दोस्तों यहाँ पर वजीर एक्स पर भी देखने को मिल जाएगा। तो अराउंड यहाँ पर 58% से ज़्यादा जो इसका मार्केट है लास्ट 24 आवर में दोस्तों पंप देखने को मिला। ये गेमिंग टोकन है, तो इसका जो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पंप हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो गेमिंग मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा NFT गेमिंग मार्केट है वो बूम कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्ले टू अर्न एक गेम है, उसका यहाँ पर टोकन है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर अराउंड 16% पंप देखने को मिला। तो अभी आप इसमें एंट्री मत लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये पहले से पंप हो चुका है। और हीलियम में आप यहाँ पर देख सकते हो अराउंड 32% का पंप देखने को मिला। तो ये कल के दोस्तों यहाँ पर टॉप गेनर कॉइन है, जिसमें ADA भी शामिल है और ICP भी शामिल है। तो कल काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पर अल्ट कॉइन में हमें पंप देखने को मिला। दोस्तों, बात करते हैं बिटकॉइन की और जानते हैं इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो बिटकॉइन अभी करंटली चल रहा है 45,600-700 डॉलर की रेंज में चल रहा है, और इसके चेंजेस की बात करते हैं 1% चेंज देखने को मिल रहा है। और लो और हाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 46,170 डॉलर का इसने हाई टच किया था, और लो की बात करें तो 44,642 का इसने लो टच किया था। तो ज़्यादा लो और हाई हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, हम नेक्स्ट 24 आवर की बात करें तो इसका जो एवरेज प्राइस रेंज चल रही है वो 43,404 डॉलर and 46,282 डॉलर के बीच में इसकी रेंज बता रहा है। दोस्तों, यहाँ पर 2 एनालिसिस का मैं आपको यहाँ पर एवरेज दिखा रहा हूँ, जिसका एवरेज है 43,000 डॉलर और 46,000 डॉलर के बीच की रेंज में चल सकता है। इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो इसे सपोर्ट बन रहा है दोस्तों 44,886 डॉलर पर, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 45,888 डॉलर पर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, जिस वजह से ये 45,888 डॉलर के ऊपर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दोस्तों, आपको ये 46,000 डॉलर की रेंज में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं न्यूज़ की और जानते हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो फर्स्ट न्यूज़ है, पेपल विनमो लॉन्चेस कैशबैक टू क्रिप्टो फीचर टू ऑटो परचेस क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेमेंट जाइंट पेपल अपने एक प्लेटफॉर्म विनमो पर एक सर्विस को लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया है कैशबैक टू क्रिप्टो। तो कैशबैक टू क्रिप्टो में होने वाला क्या है दोस्तों, विनमो पर जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज़र्स है वो जो इनको मंथली दोस्तों यहाँ पर कैशबैक मिलता है, उससे क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं बिना किसी ट्रांजेक्शन फी को दिए। तो ये इन्होंने नया फीचर दोस्तों लॉन्च किया है। अब जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज़र्स को जो भी यहाँ पर मंथली में कैशबैक मिलता है उससे वो क्रिप्टो करेंसी को बाय कर लेंगे। तो दोस्तों, पेपल है जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए लगातार नए नए कदम आगे बढ़ाते जा रहा है। दोस्तों, हम नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करें तो वो आ रही है मैं तुर्की की तरफ से। आप यहाँ पर देख सकते हो
मेजर टर्किश स्पोर्ट्स क्लब इशू फैन टोकन ऑन इथेरियम। दोस्तों जो टर्की का स्पोर्ट्स क्लब है उन्होंने अपने फैन टोकन को लॉन्च किया है। वहीं के दोस्तों एक लोकल यहाँ पर क्रिप्टो जो उनका एक्सचेंज है पेराबू उसके साथ पार्टनरशिप करके तो इन्होंने फर्स्ट टाइम में दोस्तों 5 लाख टोकन को लॉन्च किया। और जैसे ही इन्होंने मंडे अपने टोकन लॉन्च किए तो 30 सेकंड के अंदर इनकी जो क्लब की कमाई थी वो थी 15 मिलियन टर्किश लीरा यानी 1.75 मिलियन डॉलर दोस्तों इन्होंने 30 सेकंड के अंदर ही कमा लिए थे। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों इनका यहाँ पर सक्सेसफुल रहा टोकन लॉन्चिंग का। और इनके टोकन की दोस्तों मैक्सिमम सप्लाई इन्होंने रखी है 190 मिलियन से ज़्यादा। तो इन्होंने दोस्तों जब इनका टोकन जो क्लब था वो 1907 में लॉन्च हुआ था इसलिए इन्होंने इतनी इनकी सप्लाई रखी है। लेकिन इनके रोड मैप में दोस्तों इन्होंने एक नया बर्निंग सिस्टम रखा है। जब भी इनका स्पोर्ट्स क्लब सोकर बास्केटबॉल या वॉलीबॉल में कोई भी अचीवमेंट हासिल करेगा विक्ट्री चैम्पियनशिप या यूरोप में कोई भी अचीवमेंट हासिल करेगा तो दोस्तों इनके टोकन को बर्न किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा टोकन सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है। अगर इनका ये सिस्टम दोस्तों सक्सेसफुल रहा तो वर्ल्ड में ऐसे कई स्पोर्ट्स क्लब है जो अपना खुद का टोकन यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है जमैका की तरफ से। बैंक ऑफ जमैका मिंट्स द फर्स्ट बैच ऑफ नेशनल डिजिटल करेंसी। तो दोस्तों बैंक ऑफ जमैका ने कुछ आधिकारिक घोषणाएं की है और उन्होंने बताया कि जो अपनी नेशनल करेंसी जो लॉन्च करने वाले हैं उसको लिए उन्होंने फर्स्ट बैच को हायर कर लिया है और जल्दी अपनी ये CBDC लॉन्च करने वाला है। दिसंबर एंडिंग तक अपनी CBDC को लॉन्च करेंगे और बताया कि 230 मिलियन JMD यानी 1.47 मिलियन डॉलर की अपनी CBDC को लॉन्च करेंगे। दोस्तों इंडिया से भी CBDC लॉन्चिंग को लेकर न्यूज़ आ रही थी तो इंडिया भी अपनी जल्दी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। दोस्तों अभी अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो पॉलीगन नेटवर्क की ओर से आ रही है। पॉलीगन नेटवर्क पर दोस्तों काफ़ी बड़ा यहाँ पर हैक देखने को मिला। आप यहाँ पर देख सकते हो पॉली नेटवर्क हैक्ड फॉर मोर देन 600 मिलियन डॉलर। तो 600 मिलियन डॉलर का यहाँ पर हैक देखने को मिला और बताया जा रहा है कि यह 1 बिलियन डॉलर तक का हैक हो सकता था। इसमें दोस्तों जो इन्होंने यहाँ पर हैकिंग की गई है उससे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो जो यहाँ पर कॉइन को हैक किया गया है टोकन को हैक किया गया है उसमें इथेरियम थे यूनिशेप शिबा और ऐसे यहाँ पर 5 से 7 दोस्तों टोकन थे जिनको हैक किया गया है। तो काफ़ी बड़ी दोस्तों यहाँ पर हैकिंग देखने को मिली और ये हैकिंग और भी बड़ी हो सकती थी लेकिन उसके पहले इसे रोक दिया गया। तो अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हो तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर हैक देखने को हमें मिला। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें PNC बैंक इज़ प्लानिंग अ क्रिप्टो ऑफरिंग विथ कॉइनबेस। दोस्तों अमेरिका का 5th largest बैंक है PNC बैंक तो उन्होंने अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट को यहाँ पर डिस्क्लोज किया है और बताया है कि ये कॉइनबेस के साथ अपनी यहाँ पर कुछ क्रिप्टो सर्विसेज लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सर्विस को अपने क्लाइंट के लिए लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों अगर इतना बड़ा बैंक अपनी सर्विसेज यहाँ पर क्रिप्टो रिलेटेड लॉन्च करेगा तो क्रिप्टो मार्केट में हमें काफ़ी यहाँ पर बूम देखने को मिलेगा और भी बड़े बड़े बैंक आगे आएंगे और क्रिप्टो सर्विसेज को लॉन्च करेंगे। दोस्तों ये थी आज की क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।